दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी परेशानी में हमारा दिल दिमाग ज्यादा सोच नहीं पाता और हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशानी का हल हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। तो सुनते हैं ये कहानी जिसका शीर्षक है सोच का फर्क। एक शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत पैसा था और उसे इस बात पर बहुत घमंड भी था। मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। एक बार किसी कारण से उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। अरे, मेरी आंखों में क्या हुआ मुंशी जी? जी सेठ, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। हाँ, चलिए। आओ आओ सेठ जी, ये रहा डॉक्टर का कैबिन, चलिए। अरे कहाँ है? अरे ये रहा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, कहिए। अरे डॉक्टर साहिबा, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, मुझे आंखें खोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओ अच्छा, दिखाइए, मैं चेक करती हूँ। देखिए सेठ साहब, आपकी बीमारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अरे ऐसा ना कहें डॉक्टर साहिबा, जितना पैसा लेना है ले लें, पर मुझे ठीक कर दें। नहीं, मेरे पास इसका इलाज नहीं है। सेठ की इस बीमारी का बहुत डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए। सेठ के पास बहुत पैसा था, उसने जगह जगह से बहुत सारे नीम हकीम और डॉक्टर बुलाए। मुंशी जी। जी सेठ साहब, कहिए। अच्छे से अच्छा डॉक्टर बुलाओ और मुझे दिखाओ। जी साहब। हेलो डॉक्टर साहब। जी कहिए, कौन बोल रहा है? जी मैं नगर सेठ के यहाँ से बात कर रही हूँ। जी कहिए। डॉक्टर साहब, हमारे सेठ की आंखों में परेशानी है, कृपया आप आकर देखने का कष्ट करें। मैं आ जाऊंगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। वो आंखों का डॉक्टर सेठ को देखने उसके घर आया। अरे सेठ जी, आपकी आंखों में तो एलर्जी हो गई है। तो अब क्या करना होगा डॉक्टर साहिबा? सेठ जी, आपको कुछ दिनों तक सिर्फ हरा रंग ही देखना होगा। अगर आपने और कोई रंग देखा तो आपकी आंखों में परेशानी भी हो सकती है, हो सकता है आप अंधे भी हो जाएं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, यही करूंगा। मुंशी जी। जी सरकार। बड़े बड़े पेंटरों को बुलाओ और पूरे घर और नगर को हरे रंग से रंगवा दो। मुझे हरे रंग के अलावा कोई दूसरा रंग दिखाई नहीं देना चाहिए। मैं जहाँ से भी जाऊँ हर जगह हरा रंग कर दो, चाहे जितना पैसा लग जाए। जी सरकार। रामू। जी सरकार। शामू। जी सरकार। कालिया। जी सरकार। सुनो, पूरे महल को हरे रंग से रंग दो। जी सरकार, हो जाएगा। सारे घर को हरे रंग से रंग दिया गया। इस काम में बहुत पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन फिर भी सेठ की नज़र किसी अलग रंग पर पड़ी जाती थी, क्योंकि पूरे नगर को हरे रंग से रंगना संभव नहीं था। सेठ प्रतिदिन पेंट करने के लिए पैसा खर्च करता जा रहा था। एक दिन एक सज्जन आदमी जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने चारों तरफ हरा रंग देखकर लोगों से इसका कारण पूछा। अरे यार, बहुत परेशान हो गया। बताओ, हरा रंग कर दिया पूरे नगर को, अब क्या हो गया यार, बहुत परेशान है हम लोग। अरे अरे भैया। जी। अरे ये चारों तरफ हरा रंग क्यों है? अब कहा बताए सरकार, हमारे सेठ जी की आंखों में परेशानी है, इसलिए पूरे नगर को हरा कर दिया है, उन्हें सिर्फ हरा रंग ही देखना है। ओ। ये सारी बात सुनकर वो आदमी सेठ के पास गया और बोला, मुंशी जी, मुझे सेठ साहब से मिलना है। आइए आइए, मिलवाते हैं। सेठ जी, ये आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। सेठ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कहिए। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ये चारों तरफ हरा रंग किस लिए? मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मुझे हरा रंग ही देखना है इसीलिए। सेठ जी, आपको इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? मेरे पास आपकी परेशानी का एक छोटा सा हल है। हाँ हाँ, बताओ क्या हल है? आप हरे रंग का चश्मा क्यों नहीं खरीद लेते? आपको फिर सब कुछ हरा दिखाई देगा। अरे वाह, मेरे दिमाग में यह शानदार विचार पहले क्यों नहीं आया? मैं बेकार में ही इतना पैसा खर्च किए जा रहा था। तो मित्रों, जीवन में हमारी सोच और देखने के नजरिए पर भी बहुत सारी चीज निर्भर करती हैं। कई बार परेशानी का हल बहुत आसान होता है, लेकिन हम
परेशानी में फंसे रहते हैं। तो मित्रों, इसे कहते हैं सोच का फर्क। इस कहानी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के नाम हैं मोनू खान, सुरजीत पाल, अस्मिता शर्मा, ज्योति सागर, पिंकी सिंगला, शिवान सैफी और काजल पांडे। धन्यवाद।